दोस्तों आप सभी का स्वागत है अमन टेक्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीम्स यानी कि अभी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के थ्रू जो है जो भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं तो गवर्नमेंट डीबीटी के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती है। तो डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। दोस्तों गवर्नमेंट डीबीटी के थ्रू आपके उसी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती है जो कि आपके आधार एनपीसीए से लिंक्ड रहता है। तो दोस्तों बहुत से लोगों को यहाँ पे इन योजनाओं का बेनिफिट नहीं मिल पाता है क्योंकि उनके आधार कार्ड के साथ उनका बैंक अकाउंट कौन सा लिंक्ड है उन्हें नहीं पता होता है, और कई लोगों के आधार कार्ड के साथ जो उनका बैंक अकाउंट लिंक्ड रहता है वो इनएक्टिव होता है, और कई लोगों के आधार कार्ड के साथ उनका बैंक अकाउंट ही लिंक्ड नहीं है। तो ऐसे में गवर्नमेंट की किसी भी योजना का उन्हें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपना एक न्यू पोर्टल लॉन्च किया है डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का। दोस्तों यहाँ पे जो है आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, यहाँ पे जो भी योजनाएं जो भी स्कीम्स चल रही हैं उन्हें आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों इस पोर्टल पे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट डीबीटी के लिए एलिजिबल है यानी कि आधार एनपीसीआई से लिंक्ड है, और अगर आपका वो बैंक अकाउंट इनएक्टिव है या फिर आप उसे चेंज करना चाहते हैं या फिर आपने कोई भी अपने आधार कार्ड से कोई भी बैंक अकाउंट लिंक नहीं किया है तो कैसे कर सकते हैं, कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और गूगल में आपको सर्च करना है डीबीटी। जैसे ही आप डीबीटी सर्च करेंगे फर्स्ट लिंक आएगा dbtbharat.gov.in का, सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल साइट आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे जो है फाइनेंशियल टोटल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का डेटा आपको देखने को मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ स्कीम्स देखने को मिल जाएंगे, नीचे आपको ग्राफ देखने को मिल जाएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से एयरवाइज कितना फंड ट्रांसफर यहाँ पे किया गया है। एंड दोस्तों यहाँ पे जो है अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका बैंक अकाउंट डीबीटीएल में एनरोल है एलिजिबल है तो वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको ऊपर यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट्स का, आपको डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसमें आपको आधार UIDAI का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना है तो नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा सिटीजन पार्टनर का, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको नीचे 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको 4th ऑप्शन देखने को मिलेगा सिटीजन बैंक अकाउंट आधार लिंकिंग स्टेटस का, सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है और ऊपर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो दोस्तों आप यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे UIDAI.gov.in की साइट पे। यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा आधार सीडिंग स्टेटस इज फेस्ट फ्रॉम NPCI सर्वर। दोस्तों यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको अपना आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी एंटर करनी है और नीचे आपको एंटर सिक्योरिटी कोड का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको ये कोड देखने को नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे इसे 3 से 4 बार रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड देखने को मिल जाएगा। ये सिक्योरिटी कोड आप यहाँ पे एंटर करेंगे, उसके बाद आपको सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है और नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा, कांग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। तो यहाँ पे आपको स्टेटस देखने को मिल जाएगा आपका आधार नंबर एंड उसके बाद बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव देखने को मिल जाएगा एंड बैंक सीडिंग डेट देखने को मिल जाएगी एंड बैंक कौन सा लिंक है आपके आधार कार्ड से तो उस बैंक का नेम देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड से कौन सा बैंक अकाउंट लिंक्ड है। लेकिन दोस्तों अगर आपका बैंक सीडिंग स्टेटस यहाँ पे इनएक्टिव दिखाता है या फिर कोई भी बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बैक यहाँ पे डीबीटी के पोर्टल पे ही आना है। यहाँ पे आपको सिटीजन कॉर्नर में अब 5th ऑप्शन देखने को मिलेगा, बैकग्राउंड ऑन आधार सीडिंग ऑन NPCI मैपर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक फॉर्म जारी किया गया है जिसे फिल करके आप अपने बैंक ब्रांच में देंगे तो यहाँ पे जो है आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक वो हो जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पे आधार सीडिंग प्रोसेस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे डिटेल में आपको बताया गया है कि किस तरीके से जो है आप यहाँ पे इस प्रोसेस को कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पे एक फॉर्म देखने को मिल जाएगा, इसे आपको फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर लिंकिंग सीडिंग आधार नंबर। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी बैंक ब्रांच का नेम लिखना है एंड उसके बाद बैंक का नेम लिखना है एंड उसके बाद डेट लिखनी है एंड उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अकाउंट नंबर का, आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है एंड उसके बाद जो भी आपका नेम है वो आप अपना नेम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद नीचे आपको फिर से अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देने हैं एंड नीचे यहाँ पे आपको और ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन फॉर रिसीविंग डीबीटी बेनिफिट्स। तो यहाँ पे जो है आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर कर देना है जिस भी न्यू बैंक अकाउंट में आप अपने डीबीटी के बेनिफिट्स लेना चाहते हैं।
एंड इसके नीचे आपको अपना वो अकाउंट नंबर एंटर करना है जो कि आपका पहले आधार कार्ड से लिंक्ड है। वो अकाउंट नंबर आप एंटर करेंगे और अपना न्यू अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, तो अपनी डिटेल्स एंटर करने के बाद नीचे आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं एंड यहाँ पे उसके बाद आपको अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड अपने एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच कर देनी है और यहाँ पे इसे आपको अपने बैंक ब्रांच में सबमिट कर देना है। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है आपको अपने उसी बैंक में जो है यहाँ पे इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये प्रोसेस ऑफलाइन है, अगर आप इसे ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल आपको यहाँ पे गूगल में आ जाना है और जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है तो यहाँ पे आपको उस बैंक का नेम लिखना है गूगल में। जैसे कि हमारा अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो हम यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा एंटर करेंगे एंड उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आगे एंटर कर देना है डीबीटी, और उसके बाद आपको डीबीटी एंटर करने के बाद इसे सर्च कर लेना है। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे फर्स्ट लिंक देखने को मिलेगा, यू मस्ट हैव रजिस्टर्ड योर मोबाइल नंबर विद योर आई बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे सिंपल आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने न्यू पेज ओपन होगा। दोस्तों यहाँ पे जो है आपको अटेंशन देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे सिंपल आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है और मोबाइल नंबर एंटर करना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पे एंटर करेंगे और कुछ ही दिनों में आपके आधार कार्ड के साथ आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आधार कार्ड से बैंक अकाउंट को लिंक करने की सर्विस जो है वो किसी किसी बैंक में जो है ऑनलाइन है एंड किसी किसी बैंक में जो है वो आपको ऑफलाइन ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है आप ऑनलाइन अपने बैंक के हिसाब से एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपके बैंक की ऑनलाइन सर्विस नहीं है आधार को बैंक अकाउंट से लिंक करने की, तो इसके लिए आपको अपने बैंक ब्रांच में ही विजिट करना होगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आप ये जान पाएं कि कौन कौन से बैंक में जो है आप ऑनलाइन अपने आधार कार्ड से बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं, तो उसके लिए आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके आधार एनपीसीआई से कौन सा बैंक अकाउंट लिंक्ड है, और अगर नहीं है तो इस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं अपने आधार एनपीसीआई से अपने बैंक अकाउंट को। आई होप कि इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।